today from Kutawi straight up. Oh! March Bali, we go to Handaragit Lake and waterfall. But before that, I promise to you to stop at Krishnarma. Yay! Okay? I give you shopping 1 hour. Okay! जाने वाले हैं और अभी यहाँ से क्या कहते हैं सब रेडी हो गए हैं और अभी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। लोग यहाँ के कपड़े खरीदने हैं और स्पेशली हमारे यहाँ हमारे साथ एक महान हस्ती है जो बहुत शॉपिंग करती है, मैं उससे मिलवाती हूँ और उसके फोन का ना हैंग होने वाला है, प्रोसेस भी फट के बाहर आ जाएगा। ये है वो इंसान जो इतनी ज्यादा सैलरी एक ही सेम मुझे पोस्टर के ऊपर लाखों फोटो और फोन का प्रोसेस फट के बाहर आने वाला है और हमारे टेढ़े-मेढ़े मुंह लेके इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती रहती है। स्कैमर 1 TV में कम पड़ता है। ये है हमारे डायलॉग जबरदस्त अमृता, कितने खतरनाक डायलॉग मारती है, इतनी देर तक हंसी आती है। इसलिए कहती है आप तुम समझो तो सही। ये बेचारी शरीफ इंसान कुछ बोलती नहीं है, बस हंसती रहती है। पीछे वाले तीनों म्यूट पे रहते हैं, कभी कभी बोलते हैं पर सही है, ठीक है। बैठे हैं दो लोग और वो पीछे चिल्लर पार्टी बैठी है हमारी, देखो चिल्लर पार्टी। पिकनिक पे जा रहे हैं हम। मोगली आ गया, मोगली। तो ये रही हमारी टीम और आज हम मतलब ये लोग बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं। आई होप कि इनकी एक्साइटमेंट में पानी ना फिरे, समुद्र का खारा। तो देखते हैं कैसे कपड़े मिलते हैं यहाँ पर, मतलब दिल्ली के कंपैरिजन में तो कुछ नहीं कह सकते, वो तो बहुत अच्छा है। कृष्णा मार्केट राइट नाउ, तो यहाँ की लोकल मार्केट है, यहाँ पर सारी चीजें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। अभी देखते हैं जाकर के अंदर कैसा लगता है। और बड़ी मार्केट है काफी ज्यादा, तो हमें टाइम यहाँ पर लिमिटेड दिया जाता है कि इतने टाइम में घूम लो, इतने टाइम में घूम लो, क्योंकि यहाँ पर जल्दी दिन ढल ज्यादा जल्दी ही अराइज हो जाता है। तो अभी अंदर चलते हैं और चल के देखते हैं कैसे क्या एक्सपीरियंस। तो ये है कृष्णा मार्केट। ओ भाई कृष्णा साहब मत कराइए, मेरे को करोना भी हो गया। तो कार्ड भी होकर आया है ना। तो गाइस बहुत बड़ी मार्केट है, कृष्णा मार्केट है और मैं थोड़ा एक्सप्लोर करती हूँ इसको। यहाँ का खाना, यहाँ के कपड़े, जैसे हमारा मॉल होता है एक तरीके से, अब उतना एडवांस तो नहीं हो सकता जितने हमारे मॉल होते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ के अकॉर्डिंग, यहाँ के हिसाब से इनका सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर ना लोग स्पाइसी फूड खाते हैं, मैं आपको बताऊँ, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है मेरे लिए तो खाना, मेरा तो पूरी तबीयत खराब हो जाती है स्पाइसी फूड से। मैंने घूमा है और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि जैसे इंडियंस बोलते हैं अरे बाली बहुत सस्ता होता है, सब कुछ बहुत सस्ता मिल जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर उसको कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज़ में, तो हमारे इंडिया में जो की चेन हम 20 रुपये में, पूरे इंडिया में आप कहीं भी ट्रैवल करते हो 20-30 और मैक्स 40 और मैक्स 50 भी ले लो उतने की मिलती है, वो यहाँ पर 100 रुपीज़ कॉस्ट कर रहे हैं लोग, 140 कॉस्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से करेंसी कम होने के बावजूद भी यहाँ की जो परचेजिंग वो है ताकि इक्वली बनी रहे, बहुत एक्सपेंसिव है। मुझे तो एक्सपेंसिव लग रहा है, मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा लगता होगा जो लोग यहाँ आए होंगे और जो भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर यहाँ आए होंगे। जैसे अब आप ये वाला बैग देख रहे हैं, ये छोटा सा बैग है, ये 2,54,000 का बैग है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट भी करें 2,54,000 हमारा कितना कॉस्ट करेगा, 2,54,000। ये है 1,58,000। मतलब चीज़ें यूनिक हैं। मैंने मालदीव में डॉलर्स में शॉपिंग करी और फिर भी मुझे वो इतना नहीं, 1625। हाँ 1600 रुपये का। अब आप ये देखो ये वाला जो बैग है, ये 1600 रुपये का बैग है। इट इज़ वर्दी टू गिव 1600 रुपये फॉर दिस बैग। सी इट्स टू क्यूट, इट्स टू ब्यूटिफुल, बट I don't think so कि 1600 रुपये में यहाँ इन्वेस्ट करूँगी। तो rather than I invested this thing, I would like to purchase from India only.
बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सुंदर हैं और मैं कहीं पर भी जाती हूँ, मुझे हैंड बैग्स बहुत प्यारे लगते हैं, मैं लेती हूँ। पीछे वाले हैंड बैग्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बट बहुत एक्सपेंसिव हैं सारे के सारे। तो मैं यही बोलूंगी कि जो ये मिथ फैला रखा है ना कि बाली बहुत सस्ता है, आप जाओ बाली में परचेज कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। सीरियसली हम आपको, मैं 20,000 रुपीज लेकर आई थी इंडोनेशियन और वो सारे खत्म हो चुके हैं 3 दिन के अंदर अंदर। फूड ईट किया है वो भी बहुत एक्सपेंसिव है, एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव, क्योंकि जो मेरा पैकेज था उसमें फूड वगैरह इंक्लूडेड नहीं था, स्टे था और फ्लाइट्स थी और जो घूमना फिरना है वो था। बट अभी आप देख सकते हैं कि मैं आपको बता रही हूँ 3 दिन में मेरे 18,000 रुपये खर्च हो चुके हैं, 18 से 20,000 रुपये, अभी बाकी 3 दिन और रहते हैं। तो मैं आपको अवेयर कर रही हूँ कि ये झूठ बलाई, ये जितने भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं या फिर जो भी यूट्यूब के ब्लॉगर हैं जो कहते हैं ना बाली सस्ता है, बाली सस्ता नहीं है। और एक चीज़ और है, आप अगर गोवा घूमोगे ना हम लोग एक टेम्पल आए हैं जो कि ऊपर पहाड़ों की चोटी पे बना हुआ है और ये काफी दूर है हमारे होटल से। मतलब वेदर बहुत अच्छा है यहाँ का, पर सेम फीलिंग आ रही है नैनीताल वाली, बिल्कुल भी डिफरेंट फीलिंग नहीं है, सारी नैनीताल वाली फीलिंग आ रही है। अभी जब मैं व्यूज डालूंगी तो आप खुद बोलोगे ये तो पहाड़ हमारे वाले ही पहाड़ है। तो देखते हैं बाकी आगे चल के क्या है यहाँ का सीन। थक गए यार बैठे बैठे गाड़ी में। चलो देखते हैं फिर, सांची ने तो बोल दिया है, अब देखते हैं रियलिटी में कैसा लगता है, फिर बताते हैं। दिस इज द ब्राटन टेम्पल, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है ये। मतलब जैसे पहाड़ों पे टेम्पल्स होते हैं, अच्छा वेदर होता है, उस तरीके का वेदर है यहाँ पर। और उस तरीके से पूरा ये इधर यहाँ हर तरफ ऐसा मौसम आ रहा है। ये है वो उलू, मतलब एक मंदिर का नाम है, मैं भूल जाती हूँ, उलू वाटी ये है कि कौन सा पता नहीं। ये देखो ये इस तरीके से है और बहुत सुंदर है अंदर से, आप देख लो पौधे, फ्रेश एयर, जैसे हमारे नैनीताल मसूरी में होते हैं ना, सेम वैसे ही है। अच्छा यहाँ पर ना कुछ गॉड्स नहीं होते हैं, बस ऐसे ही मंदिर बना देते हैं, यही मंदिर है। इस तरीके से मैंने तो किसी की मूर्ति वगैरह कुछ देखी नहीं है यहाँ पर, बस मंदिर है तो ऐसे इस तरीके से बना देते हैं और ये फिर इस तरीके से मंदिर बन जाता है।